हरियाणा में हारते हारते बची बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा झारखंड में होने वाली है। इसी को लेकर झारखंड के चुनावी मैदान में बीजेपी ने कमर कस ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव की सियासी जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की टीम मैदान में उतारी है। 21 नवंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह झारखंड की रणभूमि में चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। वहीं 25 नवंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए झारखंड में पीएम मोदी की 8 रैलियां आयोजित की हैं। झारखंड के आदिवासी बहुल पलामू इलाके से पीएम मोदी आदिवासियों को संबोधित कर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने पीएम मोदी की हर चरण में 1 से 2 रैलियां कराने की रणनीति बनाई है। दूसरी तरफ 21 नवंबर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह पहले चरण की मनिका और लोहरदगा विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक रैलियां करेंगे। वहीं 22 नवंबर को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतरेंगे। नड्डा पहले चरण की लातेहार सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 22 नवंबर को ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी झारखंड के विश्रामपुर में जनसभा करेंगे। बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, सनी देवल, रवि किशन सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं। ये स्टार प्रचारक झारखंड में धुआंधार रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे।